आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के V5 डिवाइस के अंदर आप डेवलपर ऑप्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। इसकी मदद से आप जो है अपने ओटीजे को इनेबल कर सकते हैं। ब्लूटूथ अगर ओपन नहीं हो रहा उससे आप ओपन कर सकते हैं। इवन गाइस जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलो दिखाते हैं डेवलपर ऑप्शंस कैसे हमें ऑन करा जाता है एंड गाइस आप उसे अपने फोन के अंदर कैसे इनेबल करेंगे। सो गाइस जैसा कि यहाँ पर हमारा डिवाइस है, इसे करने के लिए जस्ट आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। यहाँ पर सेटिंग्स हमारा, इसको हम क्लिक करेंगे। हालांकि मैं व्यू का Y53 यूज कर रहा हूं तो आपको सेटिंग्स आपको डिफरेंट नहीं मिलेगी। जो इसका OS है वो सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ऑप्शन हमारे फोन के अंदर मिल रहे हैं प्रॉपर आपको भी दिख जाएंगे। तो इजिली आपको फॉलो करना है और उस सेटिंग्स को इनेबल करना है। इसे करने के लिए गाइस जस्ट आपको नीचे आना है। एक सेटिंग्स आपको दिख जाती है जो है मोर सेटिंग्स का, ये वाला सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, इसको क्लिक कर लेना। यहाँ पर आएंगे तो अबाउट फोन स्टोरेज एप्लीकेशंस, यहाँ पर ग्लोबल सर्च, ऐसे काफी ऑप्शंस है। लेकिन आपको सबसे नीचे जाना है जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस। इस वाले सेटिंग्स को जस्ट क्लिक करेंगे, हमारा डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पर आ चुका है और इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। देखो गाइस यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर ओटीजी का जो है डीबगिंग आता है, यूएसबी डीबगिंग, उसको आप ऑन कर सकते हो। अगर ओटीजी काम नहीं कर रहा तो इसका ऑन करके आप ओटीजी को कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है ओटीजी को लेकर, तो आप इस यूएसबी डीबगिंग को ऑन करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखो यूएसबी डीबगिंग यहाँ पर है, हम इसको ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। हमारे पास जितने ऑप्शन सारे के सारे ऑन हो चुके हैं। और गाइस इसका ऑप्शन का यूज हमेशा नहीं करना है। काफी लोग बोलते हैं सर इसको हमेशा छोड़ दो, ऐसे नहीं, आपको जब इसकी जरूरत हो, लाइक ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मींस ओटीपी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उस समय इसको ऑन कर सकते हैं। बैकग्राउंड एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो उस समय भी इसका आप यूज कर सकते हैं। देखो गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो काफी भर के मिलेंगे, हालांकि जो शॉर्टकट में यहाँ पर आपको दिया जाता है और ये कि आपको डेवलपर मोड ऑप्शंस के अंदर ही सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑप्शन डाल दिए गए हैं। यहाँ पर हम डेवलपर ऑप्शंस हमारा ऑन है, लेकिन हमें एक यहाँ पर दिखा रहा है वार्निंग भी। अभी देखो डेवलपर ऑप्शन मोड ऑन है, यहाँ पर आपको बता रहा डेवलपमेंट मोड ऑन, लेकिन आपको देयर आर रिस्क सच द सिस्टम, यहाँ पर बोल रहा है रिस्क भी है आपके लिए। तो रिस्क कैसे होगा, देखो जब आपको इसकी एक्चुअल जरूरत नहीं होगी तब आपको इसे ऑन नहीं करना है, लेकिन जब इसको एक्चुअल जरूरत पड़ जाएगी तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये एक तरीके का एडवांस सेटिंग्स है और हर एक ऑप्शंस को आप यहां से यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे अगर यहां पर क्या नाम है डीबगिंग, यूएसबी डीबगिंग ऑन करना है, इसको ऑन कर देंगे। अब अगर ओटीजी हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा था, हम इसको ऑन करके ओटीजी को अगर कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। प्रोफाइल सीपीयू है, बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट है, एवन गाइस ऐप नॉट इनेबल्ड है, इसको हम क्लिक करके कौन सी एप्लीकेशन इनेबल्ड है नहीं इनेबल्ड है उसे हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको नॉट इनेबल कर देंगे तो नॉट इनेबल हो जाएगा। एक्चुअली ये बैकग्राउंड एप्लीकेशंस ऐसे ही बंद किए जाते हैं, हालांकि इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं जो उसे बंद कैसे करें। जो न्यू स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाता है उसे बंद करने के लिए डायरेक्टली, लेकिन इसके अंदर हम इस डेवलपर मोड सेटिंग्स से बंद कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ सेटिंग्स है, आप आई होप कि यूज कर पाएंगे इसका आइडियोज वगैरह के लिए। अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है कुछ भी ब्लूटूथ वगैरह तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऑन किया जाता है जो कि डेवलपर मोड ऑप्शंस, आई होप कि अपने फोन के अंदर इसे ऑन कर पाएंगे इजिली और यूज भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में इसके लिए कोई कंफ्यूजिंग है, कोई ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कमेंट में मेंशन कर देना, डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको उस सेटिंग्स का यूज करना है। एंड गाइस बस यही थी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस, एंड हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय बाय।